तो जितने भी आपके अब तक के मॉड्यूल्स हैं मेंग सर के पास, वो कंप्लीट हो चुके हैं नेटवर्किंग के, ठीक है। जो अब नए मॉड्यूल स्टार्ट होने हैं वो हमारे वेब हैकिंग के हैं, वेब एप्लीकेशन हैकिंग के, ठीक है। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, यस सर, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि वेब आखिर में है क्या, अगर वेब की टर्म में बात की जाए, व्हाट इज वेब? हेलो, यस सर। हाँ जी, एक्चुअल में वेब है क्या? बोलो बोलो। सर लाइक वेब एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर हम सारी अपनी वेबसाइट जो है वो होस्ट करते हैं, ताकि एंड उसको हम विजिट करते हैं थ्रू अ ब्राउजर। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक साइट एंड डायनेमिक में? स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, लाइक स्टैटिक वेबसाइट हमारी बनी होती है कि जो कि सब यूजर्स के लिए सेम होती है, वो HTML, CSS, हाँ जावास्क्रिप्ट मेनली इसमें बनी होती है। और जो डायनेमिक होती है वो ना हर एक यूजर के लिए डिफरेंट हो सकती है। हाँ अगर एक बंदे ने मैंने लॉगिन किया तो वो मुझे मेरे नाम से दिखाएगा, अगर आपने लॉगिन किया तो आपके नाम से दिखाएगा, ये डायनेमिक होगी। और स्टैटिक में सबको एक जैसी चीजें दिखाएगा। ठीक है, ओके। वेब का जो आर्किटेक्चर है वो डिफाइन कर सकते हो? आपकी वॉइस नहीं आ रही। सोच रहा हूँ सर, एक बार आर्किटेक्चर याद नहीं आ रहा। जैसे स्टार्टिंग में अगर आपने पढ़ा होगा, लिनक्स का आर्किटेक्चर होता है, उसी हिसाब से हमारा वेब का आर्किटेक्चर होता है। अच्छा, कितने होते हैं वो पता है, कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, सर जो फ्रंट हाँ जी, एंड हाँ और जी, बोलो। बैक फ्रंट एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड। एंड, या हम क्लाइंट साइड बोल सकते हैं, बैक एंड में सर्वर साइड। सर्वर साइड, सर हाँ, क्योंकि हम वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, फ्रंट एंड और बैक एंड, यहाँ पर हम वेब की बात कर रहे हैं। तो ये कितने आर्किटेक्चर हुए? फर्स्ट तो होता है हमारा क्लाइंट साइड, दूसरा होता है जो सर्वर साइड। तो ये टू टायर्ड आर्किटेक्चर पे वेब वर्क करता है हमारा। यहाँ पर भी लिखा है कि द वेब इज ए टू टायर आर्किटेक्चर। फर्स्ट जो हमारा क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? सर क्लाइंट साइड का मतलब लाइक बेसिकली जो कि क्लाइंट को विजिबल है। हमारी तीन लैंग्वेज होती है, बाकी और भी होती है पर मेनली तीन हाँ लैंग्वेज है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये हाँ क्लाइंट साइड पे चलती है और इसका जो सोर्स कोड है वो पर्सन जो है क्लाइंट है वो देख सकता है, हम आम ठीक यूजर है। देख सकते हैं। लेकिन जो बैकएंड का होता है लाइक PHP पे, पाइथन पे, वो हमारी नहीं और देख एक्स्ट्रा सकते। जावा पे, वो उसका देख नहीं सकते कोड हमारा। और जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, अगर इसके अंदर कुछ कमेंट वगैरह होती है ये भी विजिबल होती है और इसका कोड विजिबल होता है। अगर हम ना कोई HTML डॉक्यूमेंट के अंदर भी PHP का कोड डालते हैं तो वो विजिबल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है उससे भी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर, जैसे हम जनरली यही लिखते हैं ना, google.com डायरेक्ट हम तो लिखते हैं, हम पूरा तो ये नहीं लिखते कभी भी www.google.com, ये तो कभी नहीं लिखते ना www। हम तो डायरेक्ट वेबसाइट का नाम instagram.com, facebook.com, google.com डायरेक्ट लिखते हैं, बट चलता हमारा www.google.com ही है हमेशा वेब में। अब एंटर करते हैं यहाँ पर। अब ये हमने जैसे एंटर किया, ये एज ए क्लाइंट साइड हमने एंटर किया, रिस्पॉन्स कहाँ से आया?
सर्वर साइड से सर। ठीक है, रिस्पॉन्स किस लैंग्वेज में आया? आपका जो ब्राउजर है किस लैंग्वेज को समझता है? जीरो और वन, सॉरी, ना जीरो ना, ये कंप्यूटर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा मैं, बाइनरी की बात नहीं कर रहा मैं, ब्राउजर की बात कर रहा हूँ। वेब की लैंग्वेज क्या है अगर अगर मैं पूछूं तो? HTML, सिंपल है, जो हमारा वेब ब्राउजर को समझ आती है वो HTML है। अगर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट अगर जैसे हम देखें तो हर एक वेबसाइट जो है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो ढांचा जिसे हम बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो HTML से तैयार होता है। अगर आपको उसकी लुक या स्टाइल देना, उसको आपका CSS ऐड होता है। अगर कोई फंक्शनैलिटी देनी है तो उसको जावास्क्रिप्ट से कंसीडर किया जाता है। बिना जावास्क्रिप्ट के भी वेबसाइट वर्क कर सकती है, स्टैटिक जो पूरी एक बेसिक वेब पेज। ठीक है, अब अगर हम लास्ट में बात करें जो हमारा वेबसाइट, ये यहाँ पर अगर आपको नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना, इसका ले सकते हो आप। जैसे हमारा वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है, किस तरह से एक नेटवर्क में हमारे पास फाइल किस टाइप में आती है, HTML फॉर्म में आती है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, HTTP के बारे में बता सकते हो? HTTP सर HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड ये यूज होता है हमारा मेनली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो HTTP, एक HTTPS के थ्रू। HTTP में मतलब ये सिक्योर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो है इंक्रिप्टेड नहीं होती सारी चीजें जो भी हम विजिट करते हैं, एंड HTTPS में वो बस इंक्रिप्टेड होती है। एंड लाइक ये ऐसे ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करता है सर, कम्युनिकेशन आई गेस। का भी हम प्रोटोकॉल इसे बोल सकते हैं। हाँ जी बोलो मोहित, ओके माइक ऑन कर लो, माइक ऑफ है। सर HTTP जैसे प्राक ने बोला कि इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर ये बेसिकली हेल्प करता है क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेट करने में। ठीक ओके है, और है ना सर, इसका पोर्ट नंबर शायद मे बी 8080 होता है डिफॉल्ट, अगर अपन इसको यूज करेंगे किसका? HTTP का? हाँ 80। हाँ 80 पोर्ट नंबर होता है, बट अगर अपन इसको 80 होता है, हाँ दैट्स इट, थैंक यू। ठीक है। क्या एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने जैसे पार्थ ने बताया कि HTTPS और HTTP में सिक्योर कौन सा है, आपसे पूछते हैं पहले, 100% जो सिक्योर हो। हाँ जी बोलो। HTTPS एस, ठीक है। अब आपको पूरा कंफर्म है कि HTTPS होगा तो वेबसाइट कभी भी उसमें हैक नहीं हो सकती या कुछ उसका डेटा ब्रीच नहीं हो सकता? सर हो नहीं सर, सिक्योर इतना सिक्योर नहीं है? ठीक नहीं है सर, है, और कोई? ठीक नहीं है सिक्योर। है, जो HTTPS होता है सिर्फ एक नाम की ही लेयर है आजकल, आज के टाइम पे। अब ऐसा नहीं है HTTP है तो वो सिक्योर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी हो सकती है सिक्योर हो, आपको मिलने में HTTPS में बग मिल जाएगा, ना मिलने में HTTP पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और डेटा जो ब्रीचेस होते हैं वो कॉमनली आज के टाइम पे तो सारी वेबसाइट एस में वर्क करती हैं, जो सिक्योर में वर्क करती हैं उसके डेटा तो डेली डेली ब्रीचेस होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अब जो HTTP, हाँ जी कोई बोल रहा था? हाँ सर, एक्चुअली सर हम ये बोल रहे थे कि HTTPS बेसिकली एनक्रिप्शन का यूज़ करता है फॉर हाँ सिक्योरिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। सो सर इसमें ये डिफरेंस हो सकता है, बट ये सर पूरा सिक्योर नहीं होता, इसमें भी कर अपन को बग्स या फिर है ना कुछ ऐसे ब्रीचेस या फिर पैचेस मिल सकते हैं जो कि हाँ अपन को है ना हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। बिल्कुल। जो HTTP के दो वर्जन आए थे, एक तो आया था 1.0 1996 में आया था, और जो 1.1 आया था वो 2016 में आया था, ये भी नोट कर लेना। और जो अब लेटेस्ट चल रहा है 2.0 चल रहा है, वो अभी सिर्फ डेटा टेस्टिंग के फेज पे है, अभी बहुत कम उसका यूज है,
2.0 है HTTP का, ठीक है। अब जो 1.0 यूज कर रहे थे उसमें हो सकता वल्नरेबिलिटीज थी, तब इन्होंने अपग्रेड किया, और जो 1.1 था अभी फिलहाल वही यूज हो रहा है हमारे सभी में HTTP में। अब आपको ये मैसेज कभी किसी ने पढ़े हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स? यस सर, पढ़े हैं। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको ना HTTP स्टेटस कोड के बारे में बता देता हूँ। मेनली फाइव तरह के स्टेट आप, अच्छा आपने जरूर ये देखा होगा किसी किसी वेबसाइट पे कई बार 400 का एरर आ गया, 500 का एरर आ गया, ये देखा होगा ना किसी में किसी। अगर मैं ये एरर होते क्या है वैसे एक्चुअली में, अगर मैं 500 की बात करूँ या 400 की बात करूँ? सर कभी जैसे सर सर्वर एरर, ठीक है, सर्वर एरर कैसे? मतलब अगर मैं मान लो google.com/admin लिखा, लो एकदम से आ गया 400 का एरर, तो ये एक्चुअली में है क्या? सर ये इसका हाँ, मतलब पेज जो है पेज वो फाउंड। फाउंड नहीं है। क्या ये सर्वर का दिक्कत है या क्लाइंट की दिक्कत है, ये बताओ। क्या इसमें कौन जो है जिम्मेदार होगा, मतलब 400 में एरर में? अगर अगर आपने चलो हम ना स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, 100 की एरर तो आपने जो बेसिक एरर इन्फॉर्मेशन होती है, 200 का मतलब होता है वेबसाइट सही से वर्क कर रही है, पूरा 100 200 का स्टेटस कोड आ रहा है उसमें। 300 का स्टेटस कोड का मतलब होता है रीडायरेक्शन, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वो टूल चलाया गो बस्टर या डबस्टर, कोई टूल चलाया इन दोनों में से? तो कई बार वो टूल यस चलाते सर, हो तो आपको ना एक वो दिखता है कि इस पे रीडायरेक्ट होके वो वेबसाइट जो है या वेब पेज किसी और यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो चुका है इसकी जगह पर। अगर एग्जांपल की तो बात करें, जैसे आपके घर के पास कोई किराने की शॉप है, किराना समझते हो ना? हेलो, यस सर, हाँ, तो जैसे जिसमें दाल चावल वगैरह वो सब मिलते हैं, मान लो उसकी शॉप में आप गए, बट वो अब शॉप जो है बंद हो चुकी है, और आपने पास वाले भैया से पूछा कि ये शॉप है कहाँ पर अब, वो भैया ने बताया कि ये शॉप अब यहाँ से बंद होकर दो दुकान आगे रीडायरेक्ट हो चुकी है, वहां चली गई है। तो इसका मतलब इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सही दुकान पे गया था, मुझे क्या पता कि मतलब शॉप बंद है या नहीं बंद है, वो तो रिडायरेक्ट हुआ। अब अगर 400 की बात करें तो इसमें बताओ क्या होगा। मान लो मैं गया भी बिल्कुल सही दुकान पर हूँ, मैंने ये आधा किलो या बोलो चावल मांगे हैं, बट वो सर्वर पे नहीं है, मतलब दुकान में है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है चावल, तो इसमें किसकी गलती है? या ऐसा बोल लो कि सॉरी ये थोड़ा एग्जांपल गलत हो गया, जैसे मुझे दिख भी रहा, सॉरी यार देख लेंगे, मुझे सोचने दो, एग्जांपल थोड़ा बढ़िया से देते हैं। हाँ, मान लो कि आपको ने उस शॉप पे गए आप, बट उस शॉप की जगह पर अब हो चुकी है मेडिकल की शॉप, और आपको दिख भी रहा है कि ये मेडिकल की शॉप है, तो भी वहां पर जाकर आप दाल ही मांग रहे हो, तो इसमें तो सर्वर की कोई गलती नहीं है, यानी कि शॉप वाले की तो कोई गलती नहीं है, आपको दिख भी रहा है कि मेडिकल का बोर्ड लगा हुआ है बाहर, मेडिकल की शॉप है, तो मांगी तो आपने दाल है, उसमें हमारी क्लाइंट की गलती होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एडमिन नाम का कोई पेज नहीं है, हमने खुद यहाँ पर ट्राई किया एडमिन, तो वहां पर हमारे 400 में सिर्फ क्लाइंट की गलती होती है। और ऐसे ही 500 में हम बात करें तो मैं बिल्कुल करेक्ट शॉप पे भी गया हूँ, मैंने मांगी भी दाल है, और अब वो स्टॉक में नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पर होगी हमारी सॉरी सर्वर की गलती, ठीक है। जैसे कई बार आपने जैसे आपके रिजल्ट आते हैं तो कई बार देखे होगे ना कि वेबसाइट डाउन हो गई है, सर्वर स्लो हो गया, तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलते, तो वहां पर सर्वर की गलती होती है, कोई आपके क्लाइंट की गलती नहीं होती। तो ये चीजें हुई क्लियर? यस सर। ठीक है,
ओके अच्छा, तो आपने कभी CLI बेस्ड ब्राउजर यूज किया है? अगर हमें चीजें जाननी है कि एक सर्वर और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कैसे कम्युनिकेशन करता है उसके बीच में, तो वो सिर्फ CLI बेस्ड ब्राउजर का ही यूज हो सकता है उसमें। कर्ल या डब्ल्यू गेट कमांड का कभी यूज किया आपने किसी ने? हाँ, तो वो तो मैं आपको ना थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ उसके। मेरी स्क्रीन में विजिबल है ना लिनक्स की? स्टार्ट होने दो, फिर शुरू करते हैं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन लेनी थी, जो सर ने आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर पर प्रोजेक्ट बोला होगा, वो ना सभी ने सबमिट जरूर करना है। उसके बेस पे ही आपको दो प्रोजेक्ट होंगे, एक तो वेब एप्लीकेशन पे प्रोजेक्ट रहेगा आपका, एक पैकेट ट्रेसर पर रहेगा। ठीक है, दोनों के दोनों आपको मेल में सबमिट करने हैं। और उसमें जब आप करोगे ना, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी साथ में डाल देना। ठीक है, तो अच्छा, पहले हम कॉल का यूज कर लेते हैं। 1:20 में चलता है। www सिंपल लिखते हैं, google.com एंटर करते हैं। तो अब देखो, जैसे इसने प्रोसेस किया कर्ल के थ्रू, ये पहले इसने कनेक्ट करने की ट्राई की, इसने कनेक्ट किया। गेट मेथड, अगर ये हम आगे देखेंगे, मेथड्स होते हैं, गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, ये सब आगे देखेंगे। और HTTP का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है? हाँ जी, 1.4 1.1। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1996 हाँ, 2016 लेटेस्ट है ये। 1.0 हुआ था 1996 में। और अब देखो, इसने होस्ट ये, तो चलो इन्फॉर्मेशन आ गई। बट अब इसने बताया कि कोई google.com जैसी कोई लोकेशन नहीं है। जो लोकेशन एग्जैक्ट बनती है वो है, ये तो चलो प्रोटोकॉल लग गया यहाँ पर आगे, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है www.google.com जैसी। हमने डायरेक्ट एंटर किया google.com, बट इसको मूव यानी कि रीडायरेक्ट कर दिया गया है इसी जगह पर। अगर आप आज के टाइम पे google.com लिखते हो तो ब्राउजर में आपको www.google.com शो होता है, google.com नहीं शो होता। तो इस तरह से आप जो इसकी कम्युनिकेशन है वो यहीं से इन कमांड्स थ्रू ही पता कर सकते हो, और या तो आप उससे बब शूट से पता कर सकते हो। दो ही तरीके हैं। अब डब्ल्यू गेट का भी एक बार देख लेते हैं हम, google.com एंटर कर। ठीक है, अब इसने कनेक्ट किया। ओके, यहाँ पर इसने मूव कर दिया गया है www.google.com पर, और रिक्वेस्ट स्टेटस। ठीक है, अब इसमें ना हमें मूव तक ही दिखाएगा, मतलब अब पूरा सक्सेसफुल हुआ है, www.google.com से कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, वो कर्ल कमांड नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ डब्ल्यू गेट कमांड ही दिखाएगा। यहाँ पर स्टेटस कोड 200 आएगा जब, वो आपका ये कर्ल कमांड नहीं दिखाता। अगर आपको सही से इंफॉर्मेशन जाननी है तो डब्ल्यू गेट ही बेस्ट है। ठीक है, इसने एक यहाँ पर जो है फाइल भी जनरेट कर दी होगी .html के नाम से, ये index.html, ये एक फाइल सेव कर लेता है जिसमें आपका गूगल का होम पेज होगा। ठीक है जी, तो इसको एक बार हम बंद करते हैं। ये तो समझ आ गया ना सभी को? यस ठीक है, आप वर्ब शूट का भी यूज कर सकते हो, जिस इसमें स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको मेथड मिल जाएगा, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है वो यहाँ पर पता चल जाएगा आपको, पोस्ट का यूआरएल, क्लाइंट की कुकीज वगैरह है। ये तो चलो ठीक है। परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट में क्या डिफरेंस, या क्या होते हैं परसिस्टेंट या नॉन परसिस्टेंट? सर, लाइक परसिस्टेंट में क्या होता है कि पहली रिक्वेस्ट जाएगी, फिर
फिर दूसरा उसका रिस्पॉन्स आएगा, फिर मतलब आई थिंक बार बार टीसीपी का जो कनेक्शन है वो क्रिएट होता है उसके अंदर, एक रिक्वेस्ट के बाद वापस उसका थ्री वे हैंडशेक होएगा, दूसरी रिक्वेस्ट के लिए भी, थर्ड के लिए भी, एंड परसिस्टेंट के अंदर एक ही उसके अंदर हो जाता है टीसीपी वे हैंडशेक के अंदर, एक बार रिक्वेस्ट है फिर रिस्पॉन्स देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। कोई एग्जांपल दे सकते हो? एग्जाम्पल अभी सर याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल। कोई और अगर अच्छे से डिफाइन कर सके परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन को। अगर आपको ये दोनों डायग्राम दिख रही है कि परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट की, अगर इसको समझ पाओ तो। अच्छा एक बात बताओ, बैंक की वेबसाइट कौन कौन यूज करता है? अगर मैं बात करूँ आईसीआईसीआई बैंकिंग वेबसाइट का, अगर आप क्रोम में या ब्राउजर में यूज करते हो तो आपको पता होगा वहां पर हर बार जब आप नया डेली यूज करोगे तो हर बार आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि वो सेव करके रखता है, कभी नहीं करेगा बैंक की वेबसाइट। अगर यहाँ पर मैं लॉगिन भी करूँ यहाँ पर मैंने यूजर नेम आईडी पासवर्ड डाल के अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया, तो जब मैंने ब्राउजर कट कर दिया और दोबारा बाद में मैं लॉगिन करूंगा तो वो डायरेक्ट डैशबोर्ड में मेरे होम उसमें डैशबोर्ड में नहीं लेके जाएगा, दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। तो वहां पर यूज होता है हमारा नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन, मतलब कि वो लंबे टाइम तक नहीं चलता कभी, खासकर बैंकिंग वेबसाइट में। अगर मैं गूगल की बात करूं, क्या आप डेली डेली यूजर नेम या पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हो? नहीं करते ना, तो वहां पर परसिस्टेंट कनेक्शन का यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं ना सेशन एक्सपायर हो गया, तो वहां पर नॉन परसिस्टेंट का यूज होता है। अगर आप बैंकिंग वेबसाइट खोल के रखो 2-3 मिनट तक वर्क ही ना करो, ऑटोमेटिकली वेब पेज लोड होगा, डायरेक्ट वो दोबारा से अकाउंट मांगेगा आपको। ठीक है, ये होता है कि परसिस्टेंट में होता है लंबा कनेक्शन, मतलब जब मर्जी आओ आपको अकाउंट पूरा एक्टिवेट मिलेगा। नॉन परसिस्टेंट में होता है कि आपको बार बार आकर कनेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, कोई किसने हैंडशेक किया था, मतलब हैंड अप किया था क्या? सर हाँ एक बोलो। और पॉइंट मतलब परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट की डेफिनेशन एचटीपी के अंदर डिफाइन कर रहे थे हम। सर वो जब वो टीसीपी कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो परसिस्टेंट एचटीपी में एक ही मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट या बहुत सारी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक साथ मतलब जाती है टीसीपी कनेक्शन में। ओके एंड ठीक इन है, अदरवाइज एंड नॉन परसिस्टेंट आप सिंगल ऑब्जेक्ट को ही आप सेंड करते हो टीसीपी कनेक्शन के थ्रू। ठीक। तो ये आपने परसिस्टेंट बोला, दोनों को डिफाइन किया परसिस्टेंट में सर एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट जा ठीक सकती है है। आपकी, बहुत हाँ सारे ऑब्जेक्ट जा सकती है टीसीपी कनेक्शन के थ्रू, और नॉन परसिस्टेंट में सर सिंगल ऑब्जेक्ट ही एक बार में जाएगी एक टीसीपी कनेक्शन के थ्रू। हाँ ठीक है। यही है कि मतलब जो अगर आपने, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर यूजर नेम बार बार डालना पड़े जहाँ पर, अगर सेशन एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है बैकएंड से ही हो रहा है, ये तो बार बार आपको डालना पड़ रहा है, ये तो हम एज ए क्लाइंट साइड तो ये वर्क ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो ये सर्वर की वहां पर, सर्वर को जैसे जब हम मेंटेन करते हैं तो वहां पर लिखा जाता है, एक क्वेरी लिखी जाती है कि हर एक सेशन को एक्सपायर करो इतने टाइम बाद, कि अगर यूजर कोई वर्क नहीं कर रहा है, मतलब नॉन परसिस्टेंट जहाँ पर कनेक्शन हो वहां पर नॉन परसिस्टेंट का यूज किया जाता है। जहां पर आप जैसे google.com है या facebook.com है, अकाउंट या लॉगिन नेम बार बार डालने की जरूरत ना पड़े, जब मतलब डायरेक्ट अकाउंट ओपन किया आपको ओपन मिले अकाउंट, तो वहां पर परसिस्टेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। इसको ठीक, ये ना कुछ HTTP के आपके मेथड्स हैं, गेट मेथड, पुट मेथड, और जो मेन यूज होते हैं हमारे 4 मेथड यूज होते हैं, गेट पुट डिलीट पोस्ट। गेट मेथड का कोई बताओ।
सर्वर से सर मेनली रिट्रीव करना कोई इंफॉर्मेशन, अगर हम पेज कोई लोड करते हैं तो वो डिफॉल्ट गेट मेथड में होता है। ठीक है, गेट में, हाँ गेट मेथड में होता है। गेट मेथड सिक्योर है क्या? क्या इसमें इंक्रिप्शन का कुछ यूज होता है? सर लाइक गेट मेथड के अंदर ना हमारे यूआरएल के अंदर आते हैं पैरामीटर्स लिखे, और जो पोस्ट में होते हैं वो यूआरएल के अंदर नहीं आते। किस तरह से यूआरएल में, मतलब अगर यूआरएल के अंदर मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ, अगर मैंने एक फॉर्म है लॉगिन फॉर्म, और उसमें मैंने हाँ फिल करी है इंफॉर्मेशन, हाँ मैंने पासवर्ड और वो चीज डाली है मेरा नेम, तो वो यूआरएल के अंदर आएगा अगर हम ठीक गेट है। मेथड यूज कर रहे हैं। और अगर पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा यूआरएल के हाँ अंदर, हमें मतलब वो कोई बॉक्स थर्ड पर्सन हाँ जो है गेट मेथड से इंटरसेप्ट कर सकता है हमारी चीजें, वो पढ़ भी सकता है यस उसे, मतलब प्लेन टेक्स्ट में पढ़ सकता हाँ है, वो पोस्ट में नहीं पढ़ पाएगा। मैं इसका ना आपको हाँ एक, बर्फ हाँ बग सूट से हम हो सकता है ये, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ गेट मेथड का। जैसे हम ना इसको, एक सेकेंड, बग सूट कन्फिगर है सभी का या नहीं? काली वगैरह में यस चलो बाय डिफॉल्ट आता ही है अगर, हाँ ठीक है। ओके इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर google.com एक बार लिख कर, ठीक है इसको हम इंटरसेप्ट लगा देते हैं कोई भी हम एक को, मूवी सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं भाई, एंटर करते हैं। हाँ तो इसने रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली है यहाँ पर, इसको फॉरवर्ड करते हैं एक बार google.com, यहाँ पर एक बार सर्च में लगा देते हैं हम मूवी, एक सेकेंड दोबारा से करते हैं इसको इंटरसेप्ट एंटर, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ पर हम चीजें पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, जैसे उसने, जैसे पार्थ ने बताया यूआरएल में हमें गेट मेथड की जो भी हम इनपुट देंगे वो दिखती है अगर हम इसे इंटरसेप्ट करें तो। इसको इंटरसेप्ट करने के बाद हम चेंज भी कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है, अगर आप लाइक, इसको मैं रिपीटर में डालता हूँ, इसको हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, रिपीटर में डालने के बाद सेंड करता हूँ एक बार, ओके अब यहाँ पर मूवी की जगह पर हम कुछ भी लिख दो, लाइक सिक्योरिटी ऐसे लिख देते हैं, सेंड करते हैं एक बार। सेंड करने के बाद हम इसे शो ऑन रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करते हैं, नए टैब में पेस्ट करते हैं, तो वहां पर हम सिक्योरिटी लिखा, मतलब कि कोई भी गेट मेथड का, जैसे कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं ना, जैसे हम कोई लॉग इन यूजर नेम डालते हैं वहां पर, कभी भी जो वेबसाइट गेट मेथड का यूज कर लिया पूरा पूरा वल्नरेबल है, मतलब कोई भी उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। इसमें जो फॉर्म वगैरह में हमेशा पोस्ट मेथड का यूज किया जाता है, अब उसका भी एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। ये तो क्लियर है ना गेट मेथड का? ठीक है अब पोस्ट का हम देख लेते हैं, facebook.com, इसमें हम डालते हैं यहाँ पर, इसको एक बार इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं, ईमेल डाल देते हैं यहाँ पर test@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया मैंने 123, इंटरसेप्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं यहाँ पर। अब देखो लॉगिन हुआ, ईमेल दिख रहा है, इसका कोई इशू नहीं है, पासवर्ड दिख रहा है क्या कहीं पर? अगर आप यहाँ पर देखोगे ENC इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ रहा है, कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज हो रहा है। तो इसको थोड़ा यहाँ से जूम कर देता हूँ मैं, कॉपी नोटपैड, अब ये देखो ईमेल दिख रहा है, ईमेल तो चलो इसका कोई इशू नहीं है, पासवर्ड कभी भी आपको नहीं दिखेगा, ये यहाँ पर पासवर्ड है वैसे, ये वाला पूरे इनक्रिप्ट मेथड में, ठीक है कभी भी ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं आता। ये हुई चीजें क्लियर दोनों, यहां तक किसी को डाउट नो सर, बाकियों को? नो सर, नो सर, ठीक नो सर। है ओके सर।
अब डिलीट मेथड क्या होता है? चलो पहले ना पुट मेथड का बताओ क्या होता है। सर, आई थिंक जस्ट लाइक पोस्ट की तरह है कि हमें अगर कुछ हाँ पुट करना होता है, हाँ अपलोड करना होता अप है वेरी वेबसाइट गुड। में। मतलब जहाँ कई बार जैसे हमारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हम अपने कुछ फाइल अपलोड कर सकते हैं, रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, जो अपलोड वहां पर चीजें हो रही होंगी वहां पर हमें सिर्फ आपका पुट मेथड यूज हो रहा होगा। ठीक है, जहीं पर कोई इमेज अपलोड हो रही है, फाइल अपलोड हो रही है, कोई रेज्यूमे अपलोड हो रहा है, जहाँ पर अपलोडिंग का जो डिटेल होती है, जैसे हम आपने देखा होगा वेबसाइट में कई बार आप भी करते होंगे रिज्यूमे वगैरह अपलोड। ठीक है, तो वहां पर आप इसको भी इंटरसेप्ट करके देख सकते हो, बट कई बार वो चीजें नहीं दिखती बॉब सूट में कभी कभी। तो अगर आप देख सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं देख रहे चलो कोई इश्यू नहीं है उसका। तो वहां पर हमें आपका पुट मेथड का यूज हो रहा है, और डिलीट मेथड क्या होता है लास्ट बचिए। हाँ बोलो बोलो, अरे डायरेक्ट बोल दिया करो। लाइक बेसिकली कुछ डिलीट करना है, ये मतलब नॉर्मल यूजर नहीं कर सकते, ये हाँ एडमिनिस्ट्रेटर जैसे यूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हमारे, एडमिन पेजेस हो गए, डैशबोर्ड हो गए, वहां पर हम कोई चीजें जैसे डिलीट का ऑप्शन होता है जिसमें, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड की डेटाबेस में एक फाइल बन गई, यूजर नेम और उसके में रो में कॉलम बन गया, उसको हटाना है डिलीट करना है, वहां पर हमारा डिलीट मेथड का यूज हो रहा होगा। अभी के लिए सिर्फ ये चार हैं, आगे भी होते हैं ये, जैसे हमारा हेड सॉरी ट्रेस मेथड का भी यूज हो रहा होता है कई बार, ये यहाँ पर दिए गए हैं ट्रेस ऑप्शन हेड कनेक्ट। तो ये अभी के लिए सिर्फ ये जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो यही है चार। इसमें किसी को कोई डाउट और कोई चीज नहीं समझ आई हो? नो सर। ठीक है ओके। मैं ना आपके वेब अटैक शुरू करवा देता हूँ, फिर पहले हम JS इंजेक्शन ही शुरू कर लेते हैं। और हाँ जी, पहले तो ये तो JS इंजेक्शन होता है क्या आपकी भाषा में? हम इसे JS इंजेक्शन आपका ये भी बोलते हैं। हाँ जी, क्या होता है JS इंजेक्शन? सर लाइक किसी भी पैरामीटर के अंदर एक ऐसा मलिशियस जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट करना जिससे हमें कोई आउटपुट मिले। लाइक हम कुकी देख सकते हैं किसी बंदे की, हम कोई स्क्रिप्ट अलर्ट सबसे ज्यादा जो एक्सएसएस में यूज होता है हाँ हम यूज कर सकते हैं। हम इससे बेसिकली किसी यूजर की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर हम कोई वेबसाइट वहां पे उसके थ्रू डाल दे जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू, तो अगर वहां पे कोई यूजर क्लिक करके जाएगा तो फिशिंग पेज हम कर सकते हैं बिल्कुल अटैक। ठीक है। मोहित आप कुछ बोल रहे थे? सर बेसिकली वही कि जो क्लाइंट साइड का सर्वर होता है उसमें ऐसे कोई मलिशियस कोड्स डाल देना उसकी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो बस वही होता है JS इंजेक्शन, मलिशियस कोड्स को इंजेक्ट करना क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, ये तीन तरह की होती है बेसिकली। मैं अगर बताऊं तो ये दो ही तरह की चलती है हमारी। एक तो हमारी होती है स्टोर एक्सेस, रिफ्लेक्टेड हाँ, दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड। आपकी जो स्टोर एक्सेस है, अगर मान लो कोई कोई भी कोड है या मलिशियस कोड जिसे हम बोलते हैं पेलोड वगैरह सर्वर पे गया, क्योंकि ये सर्वर साइड चलती है जो स्टोर है, ये सीधा सीधा हमारा डेटाबेस में स्टोर होगा, और ये इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है जो स्टोर वेब एक्सेस का। अगर आप बग क्राउड या हैकर वन के पीओसीस पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा इसकी बाउंटी होती है जो स्टोर एक्सेस की, मतलब ये पूरे पूरे डेटाबेस को हिलाकर रख सकता है। कि आपने अगर मान लो एक वेबसाइट में स्टोर एक्सेस है, वहां पर आपने ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड
डाल दिया कि जिस कोई भी बंदा उस पेज पर आए तो उसे कुछ अलग ही कुछ शो करे, तो वो सिर्फ हमारा स्टोर एक्सेस की हेल्प से हो सकता है। बहुत सारे आपको जो है गिटहब पे इसके पेलोड्स मिल जाएंगे, तो बेसिकली जो पेलोड्स है वो मैं भी बता दूंगा कौन कौन से आप यूज कर सकते हो। और ये रिफ्लेक्टेड, ये सिर्फ हमारा रियल टाइम में वर्क करता है, मतलब कि यहाँ पर कोई मलिशियस कोड हमने एंटर किया वो सिर्फ रियल टाइम में ही वर्क करेगा, ये कभी भी डेटा बेस में स्टोर नहीं होता। ठीक है, हेलो, हाँ बोलो। सर रिफ्लेक्टेड एक्सेस का कोई एग्जांपल दो ना, रियल लाइफ जो जिससे एग्जाम्पल कोई। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कुकीज वगैरह होती हैं, जैसे सर आपकी वॉइस ब्रेक है, एचपी वाली वेबसाइट पे जाके दिखा दो, shp.oneweb.com। अच्छा उस पर करके दिखा दो, ठीक है रुको। अगर यहाँ पर मान लो आपको जैसे ये दिख रही है ये इनपुट फील्ड, क्योंकि एक्सेस में सिर्फ आप वहीं पेलोड डाल सकते हो जहां पर कोई आपको इनपुट फील्ड दिखे या कोई पैरामीटर दिखे, सिर्फ वहीं पर आप कोड इंजेक्ट कर सकते हो, चाहे वो एक्सेस में है चाहे वो सीक्वल इंजेक्शन में है, क्योंकि ऐसा नहीं कहीं भी आप उठाकर अपना पेलोड एंटर कर सकते हो। नहीं, अगर मैं बेसिक कोड चलाऊं, यहाँ पर बेसिक कोड चलाते हैं हम, alert 1 एंटर करूंगा, तो यहाँ पर आपको रियल टाइम, मतलब ये सिर्फ मेरे को ही दिख रहा है, किसी और यूजर को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कोई भी जो मैंने एक पेलोड छोटा सा चलाया स्क्रिप्ट, बस कोड सिंपल पेलोड तो यही था आपका, स्क्रिप्ट 1 और ये स्क्रिप्ट, कि सिर्फ इसने अलर्ट किया मुझे। ये अलर्ट भी हो सकता है, ये यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो कि कोई यूजर को इसे इनपुट लेना है, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट का भी, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज का भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो अब ये इस वेबसाइट में कोई कुकीज होगी नहीं, वैसे अगर आपको किसी वेबसाइट में कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड एक्सेस हो, वहाँ पर किस उस वेबसाइट के जो आपने लॉगिन कर रखा है तो उसकी आप कुकीज भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। रियल हाँ जी, वेबसाइट को दिखाऊं सर, ये आई सॉरी मैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं कर पा रहा। एम सेइंग दैट रियल वेबसाइट पे दिखाऊं क्या? मैंने एक वेबसाइट पे ये फाइंड करा हुआ है। इंडिया कितनी है? हाँ जी सर, इंडिया कितनी है? मैं कह रहा हूँ .in तो नहीं है कहीं? नहीं आई एन मतलब, हाँ डॉट आई एन, आयन है? हाँ अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दिक्कत आ रहा ओके है। ठीक सर, है, अगर मैं आपको लाइव में लेके जाऊं तो रुको, फिर वेबसाइट तो मैं बता दूं। अच्छा, ओमेगल के बारे में सुना है? सभी ने सुना होगा, यूज भी कर यस रहे सर, होंगे। ठीक है, तो अगर आपने ओमेगल के बारे में सुना है तो उसमें आपका जेएस इंजेक्शन होता है। अब उससे बहुत चीजें निकल सकती है कि सामने वाला जो बंदा, क्योंकि आपको पता है कनेक्शन होता है वहां पर, मतलब जैसे हम कॉन्फ्रेंस, जैसे स्ट्रेंजर चैटिंग होती है, वीडियो चैटिंग होती है, जो ये होता है ना उसमें ओमेगल में, यस सर, तो वहां पर अगर आप जावास्क्रिप्ट का मलिशियस, कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड ऐसा होता है कि सामने वाले की यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम नहीं, आईपी आईएसपी की लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप उसका निकाल सकते हो, जो सामने वाला बंदा आया है वो होता है रियल टाइम में वर्क करता है, वो आपके स्टोर नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड में ही है, ये अभी भी चल रहा है उसमें, ये वल्नरेबिलिटी ही बोल सकते हो उसमें ओमेगल में। ठीक है, वो ऐसे नहीं चलेगा अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो,
पूरा तो नहीं दिखा सकता आपको, तो आप इनपुट जो दोगे उसका पेलोड आप दोगे यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट में, जो कंसोल होता है उसमें डालना होता है इसका इनपुट, इनपुट जो मलिशियस वेब कोड है यहाँ पर डालोगे। जैसे बंदा चेंज करेगा, जो जैसे स्ट्रेंजर कोई न्यू आएगा, ये चलता ही रहेगा यहाँ पर, आपको शो करता रहेगा कौन कौन बंदा आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, किस स्टेट से आ रहा है, वो सब ISP का IP, लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और इतना तक है कि फॉरनर्स की जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट बता देता है उनकी गर्द का आपकी, ठीक है? ये हुई चीजें क्लियर? Yes. ठीक है। तो अच्छा अब ये चीज नोट है, अगर एक पूरी पूरी वेबसाइट की मैं बात करूं तो कैसे वर्क करती है एक वेबसाइट? अगर नॉर्मली हम बात करें, पूरी पूरी हमारी जो वेबसाइट है HTML, CSS, JS, और आपका बैकएंड की बात करें तो PHP वहाँ पर यूज हो रहा होगा, SQL यूज हो रहा होगा, अगर फुल स्टैक की बात करें तो ये वर्क करती है, ठीक है ना? ये वर्क करती है हमारी। तो अब इसमें एक वेबसाइट बन गई, वहाँ पर हमने कोई भी इनपुट वैलिडेशन नहीं लगाई, जो फील्ड में इनपुट वैलिडेशन कोई भी यूजर जो मर्जी इनपुट दे, वहाँ पर हमने रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है वहाँ पर, आपको स्टोर्ड एक्सेस भी मिल सकता है, रिफ्लेक्टेड भी मिल सकता है। तो अगर इसकी JS की इवेंट हैंडलर की बात करें तो आपके ना जो पॉपुलर इवेंट हैंडलर है, एक तो है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का चलो तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, थर्ड हमारा है आपको ऑन एरर भी हो सकता है, उसके बाद ऑन स्क्रॉल, सर ऑन लोड हाँ ऑन लोड भी हो सकते हैं। अब जो बेसिक यही है हमारे इवेंट हैंडलर्स कि ऑन क्लिक का मतलब होगा कि जैसे कोई बंदा उसमें क्लिक करेगा तो वहां पर हमारा जावास्क्रिप्ट का मलिशियस कोड एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वो रन कर जाएगा उसी टाइम पर। अगर इसकी बात करें हमारे ऑन माउस ओवर की, जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट में ऐसा होता है जहां पर किसी भी बटन या किसी भी आइकन पर हम माउस लेकर जाते हैं, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारा उस माउस वहां पर गया तो वो जो उसने कोड में लिखा होगा जावास्क्रिप्ट का पेलोड या कोड वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ऑन एरर इसका क्या मतलब हो सकता है? बेसिकली हम कोई जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर ना कोई एरर डिफाइन करते हैं, जिससे जब वो एग्जीक्यूट होता है तो फिर ये वाला जो भी हम इसके अंदर डाले वो एग्जीक्यूट। हाँ जैसे इसका एक ये पेलोड है हमारा, ये चलता है अलर्ट, नॉर्मली जो हम देखते हैं ये चलता है, जैसे कोई एरर मतलब जनरेट हुआ या लोड हुआ तो ये फंक्शन, जो ये फंक्शन बोलो या जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड बोलो, तो ये उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएगा। और ऑन स्क्रॉल का मतलब है कि जैसे कोई माउस से स्क्रॉल किसी ने किया तो वहां पर ये चीज चलेगी। ऑन लोड का मतलब है कि वेबसाइट या वेब पेज वो ऑन लोड हुआ दोबारा से फिर, या किसी यूजर ने लोड किया तो वहां पर ये चीजें वर्क करेंगी। ये चीजें बेसिक है अभी के लिए आपके लिए, तो इसका बट बहुत यूज होता है आज के टाइम पे, लोग भी अपनी वेबसाइट में ये चीजें कई बार लगा के छोड़ देते हैं ताकि सामने वाले की वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके, अपनी वेबसाइट में स्टोर कर लेते हैं अपने डेटाबेस में, कि उसका सेशन आईडी भी स्टोर हो जाता है, उसका कुकीज भी ब्राउजर की स्टोर हो जाती है। तभी हम बोलते हैं ना कि किसी भी जो है अननोन लिंक या अननोन वेबसाइट पे मत जाओ, तब इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट ही इंजेक्ट होती है। सबसे ज्यादा वेब की जो मलिशियस लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट को ही माना गया है, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में PHP, अगर ये दो आती है आपको तो आप वेब में कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे मेलवेयर बना लो एक वेबसाइट पे और आप उसको बैकग्राउंड में रख दो, और जैसे यूजर आएगा आप उसकी ब्राउजर की पूरी पूरी हिस्ट्री दिखा दो उसको, कि
आप निकाल कर अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। अगर आपके कुकीज या सेशन किसी के पास चले गए, तो चाहे आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट भी कर रखी है अपने अकाउंट्स में, तो भी वो डायरेक्ट लॉगिन कर जाएगा, तो वहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने लॉगिन कर दिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये तो हमारे इवेंट हैंडलर्स है। तो अब मैं ना थोड़े आपको HTML और JS के टैग रिफ्रेश करवा देता हूँ। चलो इसको ना मैं कल ही करवाऊंगा, आज के लिए इतना रखते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दे, मैं भी उसका डाउट रिसोल्व कर देता हूँ।